फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10th के एग्जाम में किसी कारणवश फेल हो गए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो स्टूडेंट्स माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए हैं, वह विद्यार्थी इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरकर फिर से बोर्ड परीक्षा देकर पास हो सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेकर अपना साल बचा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आवेदन करने के लिए हमें स्कूल शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। सर्वप्रथम आवेदक को मध्य प्रदेश के राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ पर हम देखते हैं कि हमें अपना आवेदन कैसे भरना है। तो ब्राउजर पर आ फ्रेंड्स, चुके हैं। यहाँ पर अपना सिंपली हमें ब्राउजर पर टाइप करना है MP SOS MP ऑनलाइन और सिंपली हमें एंटर बटन प्रेस कर देना है। जो हमें फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है, इस लिंक पर हमें क्लिक करना है। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का पेज हमारे पास ओपन होगा। यहाँ से हमें जाना सर्विसेज पर, तो हमें यहाँ पर सारे जो आवेदन है वो यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। तो हमें जाना है यहाँ पर, हम देख सकते हैं रुझान ही योजना एग्ज़ाम। तो यहाँ पर हमें एग्ज़ाम फॉर्म इस पर क्लिक करना है। इसका जो हम डेट देख सकते हैं फ्रेंड्स, 5/7/2020 से लेकर 14/7/2020। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर सिंपली हमें अपना रोल नंबर एंटर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना रोल नंबर एंटर करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने अपना रोल नंबर एंटर कर दिया और यहाँ पर हमसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, क्या आप BPL कार्ड धारी हैं। यस अगर हम हैं तो यस, अदरवाइज हम नो एंटर कर दें। और यहाँ पर 40% यदि विकलांग है तो यस, अदरवाइज नो कर दें। और यहाँ पर सिंपली हमें जो कैप्चा है उसे एंटर कर देना है। तो चलिए हम फ्रेंड्स, हम कैप्चा फिल करते हैं और हमें सर्च पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है और जितने सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स फेल है सारा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। इसका जो फी वगैरह सारा अकाउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो पोर्टल फीस है वो 225 रुपये है। इसके बाद जो एग्ज़ाम फीस वगैरह यहाँ पर जो स्टूडेंट्स 3 सब्जेक्ट में फेल है तो इसका जो एग्ज़ाम फीस है वो 1,010 रुपये और 25 रुपये पोर्टल फीस है। तो कुल मिलाकर 1,035 रुपये है। तो हमें ये हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पर चेक कर लेना और हमें डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना सिंपली। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना मोबाइल नंबर जो भी उसे एंटर करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा फॉर्म यहाँ पर फिल नहीं होगा। तो चलिए हम अपना जो मोबाइल नंबर है उसे एंटर करते हैं और हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पेज हमारे पास ओपन होगा दोबारा से। यहाँ पर हमें अपनी डिटेल्स वगैरह एक बार फिर से देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम मेक पेमेंट कर सकते हैं या प्रिंट ले सकते हैं। अगर हम पेमेंट करना चाहें तो इसका पेमेंट कर ले, अगर हम इसका प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पर अब फिलहाल हमारा फॉर्म अनपेड बता रहा है। हम पेमेंट पर क्लिक करते हैं। पेमेंट पर क्लिक करने का फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का पेज हमारे पास ओपन होगा। हम अगर चाहें तो सिटीजन आईडी से या कियोस्क आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको आईडी बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो के आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाएं और आप सिटीजन आईडी क्रिएट कर लें और सिंपली हमें अपनी आईडी और पासवर्ड से इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स, हमें इसका जो पेमेंट से अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा हम इसका जो पेमेंट है उसे कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।